जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए 19 मार्च एमपी टेट का जो एनालिसिस है, फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, भाई क्वेश्चन यहां पर लेकर आए हैं। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि संवेदना के प्रकार हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि संवेदना के प्रकार हैं, तो आपका राइट आंसर था कि उपर्युक्त सभी, यानी कि ध्वनि संवेदना, स्वाद संवेदना और स्पर्श संवेदना। क्वेश्चन नंबर दो पूछा गया हमारे मस्तिष्क का कुल भार है कितना है, ये पूछा गया था, तो आपका सही आंसर था कि 360 ग्राम। 360 ग्राम विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर था। क्वेश्चन नंबर तीन पूछा गया कि कैरेन हॉर्नी के अनुसार मूल दुश्चिंता का संबंध किस अवस्था से है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या सभी से, तो आपका राइट आंसर था कि किशोरावस्था यहाँ पर सही आंसर है। दूसरे वर्ष के अंत में शिशु का शब्द भंडार कितना होता है, ये क्वेश्चन नंबर चार था और आपका सही आंसर था कि 50 शब्द। 50 शब्द आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर पाँच पूछा गया हॉर्ले एवं हॉर्ले का बंदर के नवजात बच्चों पर किया गया प्रसिद्ध प्रयोग किस से संबंधित है, किस से संबंधित है, ये पूछा गया था, तो सही आंसर था कि आसक्ति। आसक्ति यहाँ पर विकल्प नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर छः पूछा गया कि बालक का 50% मानसिक विकास कब तक हो जाता है, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष, राइट आंसर था विकल्प नंबर बी यानी कि 3 वर्ष आपका सही आंसर होगा। निम्न में से किसका अर्थ आकार वर्णी से है, अभिवृद्धि, विकास, परिपक्वता या फिर उन्नयन, तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है विकल्प नंबर यहां पर 1 यानी कि अभिवृद्धि सही आंसर होगा, विकल्प नंबर ए राइट आंसर होगा। प्याजे ने बौद्धिक विकास और चिंतन प्रक्रिया के बारे में जो खोज की वह कोई जीनियस ही कर सकता है, किसने कहा है, तो आपका सही आंसर होगा यहां पर यह कहा है कि उन्होंने, आइंस्टीन, आपका सही आंसर है विकल्प नंबर बी। हमारे मस्तिष्क का भार शरीर के कुल भार का कितने प्रतिशत है, 1%, 2.5%, 2.35% या फिर 2%, तो क्वेश्चन नंबर 9 का यहां पर सही आंसर है 2.35% सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहां पर 10 पूछा है गर्भावस्था मस्तिष्क का विकास होता है 2 सप्ताह में, 14वें सप्ताह में, 2 माह में या कभी नहीं, तो राइट आंसर है 10 का 14वें सप्ताह में यानी कि विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके, किस अवस्था में बालक अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं, वह अवस्था आपके लिए बताना है, कौन सी वह अवस्था है, तो बाल्यावस्था विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया सभी अवस्थाओं से संबंधित विकासात्मक पाठ किसने बनाए, 12 का सही आंसर बताना है, तो सही आंसर है हेविंग फर्स्ट आपका यहां पर सही आंसर है विकल्प नंबर एक सही आंसर होगा। व्यक्तित्व के कारकों पर आधारित 32 PF प्रश्नावली किसने बनाई, यह PF प्रश्नावली जो है ये किसने बनाई है, 13 का सही आंसर चयन करना है, तो राइट आंसर होगा आइजेंक, विकल्प नंबर बी यहां पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया कि रोर्सा परीक्षण में व्यक्तियों पशुओं की आकृति बताने वाला होता है संवेदनशील, अंतर्मुखी, तीव्र बुद्धि या अस्थिर, तो 14 का सही आंसर है अंतर्मुखी, विकल्प नंबर बी यहां पर सही आंसर होगा। कौन सी व्यक्तित्व मापन की व्यक्तिनिष्ठ विधि है, वह व्यक्तिनिष्ठ विधि बताना है, तो यहाँ पर प्रश्नावली आपका सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। कागज पेंसिल विधि तथा स्व परीक्षण विधि है प्रश्नावली, साक्षात्कार, रेटिंग स्केल या सभी, तो क्वेश्चन नंबर 16 का प्रश्नावली यहां पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि इसके जो प्रेमिया का संबंध किससे, शारीरिक विकलांगता से, मनोरोग, शारीरिक संरचना या विकलांगता से, तो इनका जो संबंध, इसका जो संबंध है वह मनोरोग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया था कि व्यक्तित्व से संबंधित प्रथम आविष्कार किसने बनाई, वर्डवर्थ, हाथावे या फिर मलिक जोशी या पोल कोस्टा मैक्री, तो सही आंसर था यहाँ पर वर्डवर्थ, विकल्प नंबर एक सही आंसर है। कौन सी व्यक्तित्व के स्वप्रतिवेदन का मापक है,
तो यहाँ पर मापक बताना है, तो राइट आंसर है MMPI सही आंसर होगा। एक समूह में अपनी पसंद का बालक चुनना किस विधि की विशेषता है? चॉकलिस्ट, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, समाजमिति या व्यवहार परीक्षण? तो 20 का सही आंसर है समाजमिति, विकल्प नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन थे आपके, जो कि 19 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आज के वीडियो में बस इतना ही, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।